सुबह सुबह मुझे झाड़ू मारने का टाइम ये मिला मुझे पड़ा हुआ। ये अभी तक जिंदा है लेकिन इसका हालत बहुत ख़राब है। पता नहीं पूरा रात इसका साथ क्या हुआ है। तब मैं इसे उठा के फूल में रख दी हूँ लेकिन ये लग रहा है आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन क्या करूँ मैं इसके लिए वो भी मुझे पता नहीं। इतना खूबसूरत है लेकिन इसका हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एस सरकार ब्लॉग। एंड आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो, अच्छे हो और स्वस्थ हो। तो अभी मैंने मेरा हर काम ख़त्म करके नहा धो के आ गई हूँ। अब मुझे पूजा करना है तो मैंने अभी जस्ट नहा धो के तैयार होके आई हूँ, इसीलिए मेरा सब पूजा का ये भी बंद है। और मुझे ये अब खोल के फिर सब बर्तन सर्तन गंदा है तो ये सब धो के फिर मुझे पूजा करना होगा। तो मैं आप लोगों से बाद में बातें करूँगी और आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। बाय। तो दोस्तों देखो, कुछ दिन पहले जो मैंने फूल का पौधा लगाया था इसमें फूल भी हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों देखो, ये कल का बहुत सारा भात था, चावल मैंने पानी डाल के भिगो के रख दिया है। इसे हमारे बंगाली में कहते हैं पंता भात। और यह मैंने भिगो के रखा है मूंग दाल, इसको अब मैं पीस के इसका पकौड़ी बना के, जो हमारे भाषा में बोड़ा कहते हैं बोड़ा, तो इसे बना के पंता भात के साथ खाना होगा, बहुत टेस्टी होता है। तो आज का यही हमारा हो जाएगा ब्रेकफास्ट, हम आज सुबह इसी से काम चला लेंगे। तो दोस्तों देखो, फाइनली मैंने पीस लिया है, अभी इसे इसमें सब मसाला डाल के, मतलब जो जो डालना है, मिर्चा प्याज ये वगैरह डाल के इसे मैं पकौड़ी बना लूँगी। अब उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखो, हम मूंग दाल के पकौड़ी का साथ खाने वाले हैं, ये हमारा बंगाली का एकदम फेवरेट पंता भात। Thank you.
खाना साना खा लिया है और बर्तन सर्तन धुलाई कर लिया है और अभी थोड़ी देर आराम करूँगी और उसके बाद फिर लंच के लिए खाना बनाना होगा और मेरा आज बहुत सारा कपड़ा भी धुलाई करना है तो थोड़ी देर में आराम कर लूँगी। उसके बाद आप लोगों से फिर बातें करूँगी और पहले थोड़ी देर आराम करूँगी उसके बाद कपड़ा धुलाई करूँगी उसके बाद लंच बनाऊँगी उसके बाद फिर से आप लोगों से बातें करूँगी। तो फिलहाल के लिए बाय और मुझे वीडियो भी कल का एडिटिंग करना है, बहुत सारा काम है, कभी तो कुछ काम ही नहीं रहता, कभी तो कभी कभी बहुत सारा काम हो जाता है। अभी मैं पहले थोड़ा देर आराम करूँगी उसके बाद काम करूँगी उसके बाद आप लोगों से फिर से बात करूँगी। बाय। तो दोस्तों फाइनली मैंने कपड़ा सपड़ा धुलाई करके आ गया है और अब बज गया एक। ओह माय गॉड, एक बज गया है, अब मुझे खाना बनाना है। तो फिलहाल के लिए भाई मैं खाना बना लेती हूँ और यहाँ में बैठा है मेरा तो भाई। तो फाइनली मैंने लंच कर लिया, खाना बैठा दिया, यहाँ में चावल बैठा है, यहाँ पे सब्जी, मिक्स वेजिटेबल में सब किस्म का सब्जी डाल के मटर डाल के बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों हमारा लंच रेडी हो गया है, अब हम लोग खाने वाले हैं। तो दोस्तों खाना साना खा के हम लोग थोड़ा आराम भी कर लिया और थोड़ा खेल भी लिया और थोड़ा अब वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को कह रही हूँ कि हमने लंच करने के बाद बर्तन सर्तन धुलाई करने के बाद थोड़ा लेट ही थी और अब देख रहे हो और फिर शाम हो जाएगा, शाम होने से शाम का काम करना पड़ेगा जैसे कि घर में झाड़ू लगाना, आंगन में झाड़ू लगाना, संध्या बत्ती देना, यही सब। कपड़ा सपड़ा मैंने उठा लिया है, सूख गया है कपड़ा और उसके बाद और कपड़ा मैंने अभी तक ठीक नहीं किया है, वो सब सीजिल करके रखना पड़ेगा, वो बाद में करूँगी। गुड इवनिंग दोस्तों। तो हमारा यहाँ का शाम का नज़ारा देखिए दोस्तों, इतना खूबसूरत है चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ हमारे यहाँ सुबह का हो या शाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, चारों तरफ चिड़ियों की गूंज, चारों तरफ हरियाली और बहुत खूबसूरत सा ये आसमान। हमारा यहाँ बहुत अच्छा है और एक बात बोलूँ, कोरोना वायरस का टाइम जो शहर वाले हैं वो बहुत मिस किए हैं ऐसी जगह, हमारे हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, हम तो बिंदास रहे थे।
दोस्तों अब शाम हो चुकी है और संध्या बत्ती देने का समय है। तो आप लोगों ने देखा मुझे कि मैं कितना पसीना पसीना हो गई थी, इसीलिए मुझे संध्या बत्ती देने का मन नहीं किया और दोबारा नहाया भी नहीं, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो क्या करूँगी। इसीलिए मैंने सासू माँ को कहा और सासू माँ मेरी जो है उन्होंने संध्या बत्ती दे दी है, इसीलिए मैंने वीडियो कर ली है उनका। तो आप लोग देखिए मेरी सासू माँ कैसे संध्या बत्ती दे रही है। तो दोस्तों देखो, मैंने जितना कपड़ा धोया था वो यहाँ पे जमा करके रखा है। अभी ये सब गुछाऊंगी, मतलब यहाँ अलना में सुंदर करके रखूँगी, मतलब घुस कर लूँगी, मतलब और आप लोग समझ लीजिए क्या करूँगी। और इसके बाद खाना पकाऊँगी, तो मैं ये सब कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने फाइनली मेरा हर काम ख़त्म करके डिनर भी बना लिया है। कुकर में चावल बनाया, यहाँ में एक सब्जी बन रहा है और फिर यहाँ पे मेरे पति के लिए बनाया है मटर का सब्जी। यहाँ जो बन रहा है वो मेरा पति नहीं खाने वाला, क्योंकि ये कच्चू का सब्जी है और कच्चू मेरा पति नहीं खाता है, उन्हें एलर्जी होता है इसीलिए। तो यहाँ में सब्जी बन रही है, ये देखो फ्रेंड। तो 2 मिनट पकने से ये सब्जी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिनर करके सो जाएंगे। तो दोस्तों गुड नाइट, हम लोग खाना साना खा लिया है और अब हम लोग सोने वाले हैं। तो इसीलिए मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, और आप लोग अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।